अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज सुबह तो मैडम ने फोन नहीं किया, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैडम ने फोन किया है, उसको सब्जी के दुकान से कुछ सब्जी चाहिए। तो चलते हैं, मैडम से पैसा लेते हैं और फिर चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और सब्जी की दुकान भी दिखाते हैं कैसे होती है यहाँ की सब्जी की दुकान, किस तरीके से सुपर मार्केट के अंदर भी सब्जी की दुकान होती है। और फिर देखते रहिए और आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हैं आप सब, कैसा लगता है मेरा वीडियो आपको, जैसा भी हो कमेंट किया करें और मुझे बताया करें, सपोर्ट किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी खाना हो गया है और ये छाछ है, पीते हुए चलेंगे और एंजॉय करते हुए। तो चलिए भैया, हम आपको रास्ता दिखाते हैं और आप एंजॉय करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। सऊदी का बैंक, रियाद बैंक। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ इधर सुपरमार्केट में, मैडम को जो सामान चाहिए इधर आ गया हूँ और अब चलते हैं अंदर, मैडम को कॉल करते हैं, मैडम बात करेगी दुकानदार से और क्या क्या चाहिए वो उधर बात करेगी। और यहाँ पे मैं आया हूँ, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे मेरे बैंक है, सऊदी की फेमस बैंक, और इसको मैं अभी बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ और जहाँ आया हूँ जिस दुकान पे उसको भी दिखाता हूँ बाहर। ये देखो दोस्तों, ये है सऊदी की फेमस बैंक अल राजी बैंक। जैसे अपने यहाँ SBI का बैंक होता है, वैसे यहाँ सऊदी की फेमस बैंक है ये अल राजी बैंक। यहाँ पे इस बैंक अकाउंट में ज़्यादातर लोगों का अकाउंट होता है। और ये बगल में मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और साथ में मेट्रो की ये लाइन है, ट्रायल चल रहा है मेट्रो का, अभी चालू नहीं हुआ है। और यहीं बगल में ये होलसेल की दुकान है, सुपर मार्केट है होलसेल की। कुछ भी हो यहाँ पर सस्ता मिलता है, हर चीज़ जो भी लेना चाहते हैं, सब्जी से ले कर हर एक चीज़, ड्राई फ्रूट, सब्जी और हर एक चीज़ टोटल मिलता है यहाँ पे होलसेल के रेट में। तो चलिए अंदर देखते हैं, मौका मिलेगा तो अंदर की वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, अभी इधर से सब्जी ले लिया हूँ, अब चलते हैं दूसरी जगह, दूसरी दुकान पे थोड़ा सामान मैडम मंगाई है वो भी सामान लेते हैं
और फिर चलते हैं, तब तक आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही है यहाँ की डेली रूटीन, कुछ भी मैडम लोग सामान मंगाएं, रास्ता मालूम हो गया, सब कुछ मालूम हो गया तो बड़ा ही आसान लगता है और अच्छा लगता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। नए इंसान पहली बार जब आते हैं तो यहाँ के सुनसान एरिया को देख के घबरा जाते हैं, और यहाँ पे रोड पे चलते हुए इंसान लोग कोई दिखते नहीं। हमारे यहाँ इंडिया में हर जगह कहीं यहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हैं, कहीं वहाँ बैठे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई फालतू आदमी किधर भी नहीं दिखता। जहाँ भी जिसको जाना रहता है सब गाड़ी से जाते हैं और रोड पे ऐसे चलते हुए कोई दिखता नहीं। तो इस तरह से है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, एकदम सुनसान एरिया में, कहीं ना आदमी की जात कोई दिखता नहीं, सब यहाँ पे अंदर रहते हैं। अभी गर्मियों में या किसी भी मौसम में सब घर के अंदर ही रहते हैं, अगर कहीं भी जाना हुआ तो गाड़ी से जाते हैं, बाहर कोई दिखता नहीं। तो हम नए आते हैं तो हम थोड़ा घबराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एक बार जम जाए, हाथ बैठ जाए, सेट हो जाए गाड़ी पे, और उसके बाद रास्ते से वाकिफ हो जाए तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। और साथ ही हम अगर अपने कफील के घर वालों को समझ लें, उनकी ड्यूटी को समझ लें, उनका जो कुछ भी है रूटीन क्या है क्या नहीं, कभी ये देखिए क्या है क्या नहीं, कब जाते हैं कब नहीं, तो उस हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपना खाना बनाना, अपना नहाना धोना, अपना पर्सनल काम जो कुछ भी है, कपड़े धोना, ये सब खूब आसानी से कर सकते हैं। तो यही सब है, और नए आएंगे, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, बिल्कुल बस थोड़ा सा दिल को मजबूत रखें। महीना, दो महीना, तीन महीना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज आ जाए और सब कुछ रास्ते मालूम हो जाए, आप अपने कफील मैडम के काम काज की रूटीन को समझ लें, किस तरह से घर है, किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं क्या नहीं, तो आपको बहुत ही आसान और ये आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए।